फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग होने वाला है मेरे ट्रैवल सीरीज व्लॉग नंबर 13। तो ये मॉर्निंग का सीन है गाइस। मैं जब होटल में पहुंच गई थी लास्ट मेरे व्लॉग में, तो मैं स्विट्जरलैंड के, अभी मैं छोटा सा रिकॉल देते चलूँ कि एक माउंटेन में गई हूँ, गैटमैन वैली है ये। तो यहाँ पे गाइस हम क्योंकि समर में थे तो इतना स्नोफॉल नहीं हो रहा, दूर माउंटेन्स में है। तो मैंने जब सुबह ना, मुझे मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद है, जब सब सो रहे थे ना मैं निकल पड़ी थी, तो मैंने बाहर जाके देखा तो ऐसा व्यू था। वो वैन्स वगैरह था ना, वो कैंपिंग के लिए आए हुए थे लोग, जिन्होंने होटल्स में भी, होटल के फैसिलिटी भी नहीं लेना होता ना, वो वाइल्ड में रहना चाहते हैं माउंटेन्स में, तो वो वैन्स में कैंपिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ के वॉइस वैसे ही रहने दिया जैसे कि लाइक यू नो नेचुरल साउंड था। तो मुझे ना, मैं जब वॉक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि यहाँ के विलेज कैसा है। तो मुझे ना वाटरफॉल के इतने प्यारे से आवाज़ था ना, साइलेंट था, और कहीं कहीं आपको बेल्स की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो वो थे काऊ का किसी का ना, या यू नो विंड चाइम्स था ऐसे। तो छोटे छोटे ऐसे ब्रिज से कनेक्टेड थे लाइक यू नो इसको लाइक क्रॉस करने के लिए ये रिवर्स। तो ये मैं देख रही थी कहाँ से आया है वाटर, इतना प्योर था ना और डीप था अभी, और कोई कोई गाड़ी ऐसे पास हो रहा था, इतना ही बस नॉइज था सुबह का ना। तो वो दूर माउंटेन में था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ ये विलेज, तो आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी देर एक्सप्लोर कर लेना। मैं यहाँ पे ये आई थिंक मैंने यहाँ पे ना वॉइस ओपन ही रखा हुआ है ताकि आप लोग देखो कि कितना क्वाइट था ना। मैंने देखा कि जो हमारा, जहाँ हम स्टे कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा हाइट में था। एंड मैं देख रही थी कि नेक्स्ट विलेज है कहाँ, रोड कहाँ से जाता है, क्योंकि जो मेन रोड है ना वहाँ से इतने स्पीड में गाड़ीज एंड वैन्स ये सारे जा रहे थे, बाइकीज वगैरह जा रहे थे, और मुझे नॉइज को ना लाइक अवॉइड करना था, तो मुझे क्वाइट सा वॉक चाहिए था। और मैं सोच रही थी, मैंने अपने हाथ में एक बैग भी लिया था, ये सोचा था कि अगर मुझे ना कोई फ्रूट्स वाले या वेजी वाले कोई ऐसे मार्केट या कोई छोटा सा भी शॉप्स दिखता है, या चीज़ वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे काव एंड फार्मिंग का बहुत वो है, तो फिर मैंने सोचा था मैं कुछ बाय करते हुए ले आऊँगी। इतना फनी लगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो इतना नेचर है, बाकी तो सारे चीज़ तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं इसी चीज़ को इंजॉय कर रही थी। सो ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखो, और हम मैं ऐसे देख रही थी ना यहाँ पे, ऐसे जब हम आ तो गए यहाँ पे, पर अब करेंगे क्या ना। तो ऐसे वहाँ पे ना कल रात को जब पहुँचे थे तो सारे फैमिली वाले बोल रहे थे कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना अपने लाइक यू नो आग जला के हम यहाँ पे चाय बना के पियेंगे, कॉफ़ी बना के पियेंगे, बारबेक्यू करेंगे करके। पर ऐसे तो हुआ नहीं, हम एडवेंचर्स के लिए बाहर बाहर ही निकल पड़े थे। पर लकीली मैंने ये मॉर्निंग वॉक कर लिया था, तो ये एरिया मैंने अच्छे से घूम लिया था, ये बाकी किसी को नहीं पता था, ठीक है। मैंने सबको बताया था बाद में कि इतना ब्यूटीफुल है विलेज ये वो। ये पता है कब का है? मैंने यू नो रिसर्च करके भी रखा था, ये 1800s का भी नहीं है गाइज, ये विलेज ना बहुत ही लाइक पुराना है, आई थिंक 1300s के है। मैंने लाइक यू नो गूगल में लिख के रखा था, ओके 1382, लाइक यू नो 1300 ईयर, लाइक यू नो 1382 में है। तो कितने साल पुराना है, आप खुद ही कैलकुलेट करो, आजकल 2023 है ना। तो आप सोचो कितना पुराना विलेज है, और यहाँ के घर सोचो आप, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, कितने पुराने हैं ना। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल, अभी अभी सन निकला भी नहीं था ना, अभी 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 सनराइज होने लग रहा था। तो मैं सबसे जल्दी लाई, क्योंकि मैं रात को सही से सोती नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से उठ गई थी ना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंजॉय करो मेरे साथ, ठीक है, ये नेचर भी, और साथ में मैं आपको एक सॉन्ग भी लगा दूंगी एज यूजुअल, और फिर बाकी जो है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।
चलते हम आ पहुंचे ये छोटा सा प्यारा सा एक ग्रेवयार्ड में. सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपना म्यूजिक स्टॉप कर रही हूँ. तो यहाँ पे मेरा लाइक यू नो मॉर्निंग वॉक लाइक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है. प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखो, वाइल्ड फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे थे. मैं थोड़ा सा तोड़ के लेके जा रही थी अपने बेडरूम के लिए. तो फिर यू नो होटल वापस चले गए. तो ये था हमारा होटल का एंट्री. पुराने चीज़ों से उन्होंने सजाया था. मुझे लुक्स काफ़ी अच्छा लगा था. तो ऊपर भी काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स थे. ये मेन हॉल था जहाँ पे आप चाहो तो डाइन इन कर सकते हो. बड़ा सा किचन था, सब लोग मिलके कुक कर सकते हो. और पर्सनलाइज्ड किचन भी हर अपार्टमेंट में दिया गया था. तो यहाँ पे मैं रही थी. तो यहाँ पे भी गाइज आई थिंक था 9 रूम्स या 5 रूम्स ऐसे बेडरूम्स थे. ये छोटा सा किचन दिया गया था. ये उनका छोटा सा लाउंज रूम एंड डाइनिंग टेबल था. और ये चिमनी जो है ना या ओवन है ये बना हुआ था. ओ माय गॉश देखो 1863. तो ये घर बना हुआ है 1863 से भी पहले या 1863 में बना होगा. क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है तो ये वार्म करने के लिए बनाया होगा उन्होंने ओवन, है ना. तो वो पिक्चर जो दिखाया था वो आदमी का होगा. तो ये छोटा सा एक बालकनी था. यहाँ से ऐसे बाइकीज वगैरह पास हुए जा रहे थे. और मैं यहाँ पे बैठ के ना सुबह सुबह आफ्टर लॉन्ग मॉर्निंग वॉक देखो मैं कितना स्टाइल मार के हीरोइन बन के ना रिलैक्स करके अपना कॉफी पी रही हूँ. और इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू को भी एंजॉय कर रही हूँ, है ना. तो और देखो ये हमारे नेबर्स, ठीक है. तो ये रोड है जो और ये है. ये व्यू देखो गाइस कितना प्यारा है ना. ये ना जो ये वैली है, ये जो विलेज है छोटा सा, ये आ जाता है इंटरलेकिन के लाइक यू नो काउंसिल पे, जहाँ पे मैंने आपको सिटी दिखाया था ना. एक ही शॉप से यहाँ पे एक ही जगह पे सारा टूरिस्ट स्पॉट है. अगर आपने शॉपिंग करना है तो इतना दूर आना होता है करके. तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था. नहीं मॉर्निंग नहीं, दोपहर को, क्योंकि मैं तो सुबह को मॉर्निंग वॉक गई थी ना. तो अब ये है हमारा लाइक यू नो दोपहर को जो प्लान बन जाता है कि अच्छा चल जाते हैं, एक लुकआउट पॉइंट है वहाँ पे चले जाते हैं करके. तो ये देखो गाइस मैं रात को आप लोगों को इसका पानी का कलर प्योर दिखा नहीं पर मैं अमेज थी. क्योंकि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, है ना. तो यहाँ पे आप सोचो कि मैं पानी के ही आसपास रहती हूँ और इतना ब्लू ग्रीन मैंने हर जगह का पानी देखा था. पर ये जो वाटर है ना गाइज, ओ माई गॉड नथिंग कैन बीट द कलर. इतना प्योर इतना ब्यूटिफुल मैंने कभी नहीं देखा था ना, ठीक है. दैट्स वाई आई थिंक स्विट्जरलैंड को लोग बहुत ही लाइक यू नो वाव करते हैं. एंड मैंने सुना है कि कश्मीर भी बहुत ही प्रिटी है. तो ये गाइज ये ट्रेन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ. लकीली ट्रेन मुझे फॉलो कर रहा था, अनुष्का को फॉलो कर रहा था कि मुझे भी कैप्चर करो मुझे भी कैप्चर करो करके. गाइज ये वही ट्रेन है जो हर मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज
में, यू नो, लाइक हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है ना, वो ग्लास वाला लाइक ट्रेन. तो जैसे पार्किंग मिल गया, ठीक है, तो मैं जो जो भी मुझे लाइक हिस्टोरिकल चर्च एंड लाइक जो भी प्लेसेस है, हाउस जो मुझे पसंद आया, वो सारे मैं कैप्चर करे जा रही थी आप लोगों के लिए, ताकि मैं शेयर करूँ. तो वो लुकआउट में जाने के लिए जब हमने पार्किंग ढूंढा है ना, ये जगह ही ऐसी जगह पे है, देखो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है ना, तो हमने यहाँ पे जाना है. देख रहे हो गाइस, वो ऊपर येलो दिखता है ना, वहां तक पहुंचना है. अब आप लोगों ने मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में देखना है कि मैं ऊपर पहुंची कैसे, ठीक है? तो मैं आपको हिंट भी दे दूंगी इसमें. और ये देखो, मैं चल रही थी ना वहां पे टिकट्स लेने के लिए, तो ये मुझे बीच में दिखा, ये बैरल है, जो वाइन मेकिंग बैरल्स नहीं होते, उसमें किसी ने अपने घर में ना प्यारा सा बर्ड हाउस बनाया हुआ था. तो जाते वक्त भी गाइस, जो टिकट ऑफिस के पास जो वेन्यू में हमने जाना था, जाते वक्त भी इतना प्यारा सा लाइक यू नो एक लाइक रोड्स बने हुए थे साइड में, फ्लावर्स एंड ऑल. हम बहुत लकी थे कि हम समर में गए थे, पर दिस ईयर ना बोलते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट था. और लाइक ये देखो, पैरासेलिंग, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने. तो आप लोगों ने सोचना है, क्या मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में पैरासेलिंग करती हूँ? क्या मुझ में इतना हिम्मत है कि मैं पैरासेलिंग करती हूँ? ठीक है, तो जब तक हमारा टिकट आ नहीं रहा ना, हम थक भी जाते हैं ना गाइस, कि इतने ज्यादा ट्रैवल करा हुआ था, ठीक है. और लाइक यू नो फैमिली भी, लाइक 3 फैमिलीज टुगेदर गए हुए थे, एंड देन यू नो थोड़ा थके भी हुए थे. तो ये पार्क में हमें, हम जैसे लेडीज को बोलते हैं ना कि तुम लोग यहाँ पे रेस्ट करो, हम लोग जाके आएंगे, टिकट लेके आएंगे करके चले गए सारे जो भी फैमिली में मेन है. तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे ना, कि और देख के हम खुश भी हो रहे थे, ठीक है, कि अच्छा हम शायद करे करे तो देखते हैं कि क्या हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो बाद में पता चल जाएगा. बाकी मैं जो जो भी एडवेंचर करती हूँ ना स्विट्जरलैंड में, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो आप लोगों ने हमेशा एवरी सैटरडे मेरे साथ रहना है. जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है. तो मेरे व्लॉग यहाँ तक मेरे साथ देने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस. तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और बहुत 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 सारा प्यार आप सब लोगों के लिए. एंड एज यू नो, आई लव यू ऑल, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइस. थैंक यू, एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय.